दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा जिले में स्थित है, जो कि झूले के त्यौहार और होली के त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आज भी मथुरा के राजा श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन पतली पतली और सकरी गलियों से होते हुए हम चलते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने और पहुँचते हैं द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही बड़े से प्रांगण के बीच एक सुंदर मंदिर दिखाई पड़ता है। यही मुख्य मंदिर है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर गर्भ में श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जहां भक्तों की भीड़ के बीच हमने भी दर्शन किए। यह है ज्योति स्थल, जहां दिए जलाए जाते हैं। यहां गौ मंदिर है, जहां गौ माता की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां से आपको जाने का मन नहीं करेगा, बार बार श्री कृष्ण के दर्शन करते रहने का ही मन होगा। यहां कई और श्री कृष्ण जी के मंदिर बने हुए हैं। अब हम चलते हैं मंदिर परिक्रमा करने को। कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण के परिक्रमा करना तीनों लोकों के परिक्रमा करने के बराबर है। यहाँ मंदिर के पीछे गाय के गोबर से बने उल्टे व सीधे स्वास्तिक दिखाई पड़ेंगे। मान्यता है यहाँ इच्छा पूरा करने के लिए उल्टा स्वास्तिक व इच्छा पूर्ण हो जाने पर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है, तो यहाँ कई सारे स्वास्तिक बने दिखाई देंगे। यह मंदिर हरे, पीले, लाल, सफ़ेद कई रंगों व स्तंभों से बना एक खूबसूरत मंदिर है, जो कि लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ कई आस्थाएं व मान्यताएं लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप भी यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करें और शुभ फल प्राप्त करें। अब हम चलते हैं मंदिर स्थित अस्कुंडा घाट देखने। यह यमुना नदी के किनारे बना खूबसूरत घाट है, जहाँ आप यमुना नदी में नाव यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ नदी के किनारे मथुरा की सुबह बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होती है। इसके बाद हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने, जो कि भूतेश्वर तिराहे के पास स्थित है। यह श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि आप रोड से भी यहाँ की फोटो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अंदर मंदिर बहुत खूबसूरत है। आप मथुरा आते हैं तो यहाँ जरूर आएं। यहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास पोतरा कुंड बना है, जो कि बहुत भव्य व विशाल है, जिसकी स्थापत्य कला बड़ी खूबसूरत है। इस कुंड की मान्यता यह है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता देवकी ने श्री कृष्ण के वस्त्र इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस कुंड को पवित्र कुंड माना जाता है। इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है तथा इस कुंड की गहराई का किसी को पता नहीं है। इस कुंड में कई जल धाराएं हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।